नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में जिस एजेंडे पर मुहर लगी है उसमें जल जीवन हरियाली शामिल है, लेकिन तेजस्वी यादव से बिहार के तमाम बेरोजगार नौजवान उम्मीद लगाए बैठे थे कि तेजस्वी यादव की पहली कैबिनेट में रोजगार को लेकर मुहर लगेगी, बिहार के जो बेरोजगार हैं उनके किस्मत पर फैसला होगा, लेकिन उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उसे वो अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में पूरा नहीं किए। हालांकि तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि वो बिहार के नौजवानों से जो वादा किए हैं उसे पूरा करेंगे, बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे। आपको बता दें कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त के मौके पर गांधी मैदान से भी इस बात के ऐलान किए हैं कि वो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर। अब उम्मीद थी कि जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और विस्तार के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई जाएगी तो शायद बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे पर सहमति बनेगी, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस बैठक में ना बेरोजगारों की बात हुआ और ना ही उनके रोजगार की। पूरे बिहार में घूम घूमकर तेजस्वी यादव खुद इस बात के दावा करते थे कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो रोजगार देंगे। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार भी बन गई, नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में है, लेकिन बेरोजगारों को अब तक रोजगार देने के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से हुआ है, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है, तेजस्वी यादव के जी में भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास के साथ अन्य जो विभाग हैं वो तेजस्वी यादव के पास हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक किसी भी विभाग में बड़े स्तर पर ना बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई और ना ही इस दिशा में फिलहाल कोई कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी, जबकि पूरे बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव यह बात डंके की चोट पर कहते थे कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और जब उनकी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में उसी फाइल पर वो दस्तखत करेंगे, लेकिन आज जब कैबिनेट की फाइल उनके पास पहुंची तो उसमें बेरोजगारी रोजगार जैसे मुद्दे नहीं थे। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार होने के बाद तमाम जो बिहार के नौजवान हैं उन सब की निगाहें तेजस्वी यादव के ऊपर टिकी हुई थी। तेजस्वी यादव को लेकर खास तौर पर वो लोग ज़्यादा उम्मीदें पाले हुए थे जो नीतीश सरकार के वजह से नाराज थे। नीतीश कुमार की सरकार में कई लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे और उन आंदोलनकारियों के पास तेजस्वी यादव जब पहुँचते थे उनको भरोसा दिलाते थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो बिहार में रोजगार ही रोजगार लाएंगे, लेकिन उनकी सरकार बनी उसके बावजूद भी रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। हालांकि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए उस वक्त भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में उस मुद्दे पर भी फैसला होगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही उस मुद्दे पर फैसला होगा, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और बेरोजगार और रोजगार को लेकर किसी मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इससे जो बिहार के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो तेजस्वी यादव से उम्मीदें लगाए बैठे थे, उन्हें एक बड़ा झटका जरूर लगा है।